जिंद में ऐसी समाज का बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे प्रदर्शन में, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, सीएम मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला ने एससी और बीसी समाज के साथ किया विश्वासघात। हरियाणा के जिंद में पिछले 15 दिन से भी ज्यादा समय से मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे एससी समाज ने शनिवार को रानी तालाब से लघु सचिवालय तक बड़ा प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए और प्रदर्शन की अगुवाई की। प्रदर्शन के बाद डीएमसी सुरेंद्र बेनीवाल को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एससी और बीसी समाज के साथ विश्वासघात किया है। जब दूसरे सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं लग रही हैं, तो गुरु रविदास और संत कबीर की प्रतिमा लगाने में देरी कर जानबूझकर साजिश के तहत ऐसी समाज को अनदेखा किया जा रहा है। जब समाज के लोग अपनी मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों या विधायक के पास जाते हैं, तो उनकी मांग सुनने की बजाय उन्हें धमकाया जाता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिन के अंदर प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। यह मनुवादी सरकार की मानसिकता का प्रतीक है कि जब गुरु रविदास, वाल्मीकि या संत कबीर की प्रतिमा लगाने की बात आती है तो नियम आड़े आ जाते हैं, और जब आरएसएस से संबंधित प्रतिमा लगनी हो तो कोई नियम नहीं देखा जाता। उन्होंने समाज की मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि सरकार की नियत में खोट नजर आ रहा है। जब बजट आया हुआ है तो चौकों का निर्माण क्यों नहीं करवाया जा रहा? सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों को भयंकर गर्मी में धरना देना पड़ रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।